डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम पढ़ेंगे डिवाइड करना। ठीक है, किसी भी नंबर को किसी अदर नंबर से डिवाइड करना ये सीखेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज है 5B। क्वेश्चन फर्स्ट, डिवाइड एंड चेक योर आंसर। हमें डिवाइड करना है और अपने आंसर को चेक करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है 629 को डिवाइड करेंगे 8 से, इसमें हम ये पार्ट कराएंगे आपको। सेकंड, थर्ड, ठीक है, और इसमें कराएंगे आपको एम पार्ट। ये फोर्थ क्वेश्चन कराएंगे और बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं सिमिलरली। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे। अच्छा, ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए आपको ध्यान से, इसमें आपको टेबल जरूर आनी चाहिए, 1 से 10 तक की टेबल आपके कंप्लीटली याद होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, देखिए 729 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 का हम टेबल काउंट करेंगे 7 पर। देखिए 7 यहाँ पर स्मॉल है, ठीक है, तो हम फिर 7 को छोड़ देंगे और 7 के क्या रहेंगे, फिर 7 से जो है ये ग्रेटर है, सो इस पर हम टेबल नहीं पढ़ेंगे। हम अब लेंगे 72, तो 72 पर 8 का टेबल काउंट करेंगे। 8 9 जा 72, 8 9 जा 9 टाइम, ये तो इसके इक्वल होना चाहिए, ये इससे स्मॉल होना चाहिए, इससे ग्रेटर ना होना। ठीक है, 8 9 जा 72, जब लेस करेंगे यहां से, तो 2 में से 2 लेस करेंगे 0, 7 में 7 लेस करेंगे 0। अब आगे कितना है 9 को यहां पर पुट कर लेंगे। अब 8 का टेबल काउंट करेंगे 9 पर, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 9 से ग्रेटर हो जाएगा, सो हम 8 का टेबल काउंट करेंगे 1 टाइम, 8 1 जा 8। इसको लेस कर देंगे, 9 में से 8 को घटाएंगे, लेस करेंगे तो आएगा 1। 91 हमारा क्वेश्चन है और यहां पर जो 1 है ये रिमाइंडर। अब हम इसको चेक करेंगे, तो देखिए डिवाइड एंड इक्वल टू होता है, चेक करने का तरीका है कि डिवाइड एंड इक्वल होता है डिविजर इनटू क्वेशेंट इनटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यहां से देखिए डिवाइडेंट जो है ये नंबर है 729, डिविजन हमारा ये नंबर है 8, क्वेशेंट 91 है और रिमाइंडर यहां 1 है। तो यहां से इसको ऐड करके देखेंगे कि ये डिवाइडेंट के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये डिवाइडेंट है, ये एक डिविजर है, ये क्वेश्चन और ये रिमाइंडर। तो डिविजर की वैल्यू है 91 इंटू क्वेश्चन, सॉरी डिविजर है यहां पर 8, माफ करना, इंटू क्वेश्चन है यहां पर 91 प्लस रिमाइंडर 1। तो 8 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 91 में 8 1 जा 8 और 8 7 जा 72 प्लस 1, इनको ऐड करेंगे तो जाएगा 729। देखिए ये डिवाइडेंट के इक्वल आ रहा है, तो हमारा आंसर जो हमने ये क्वेश्चन किया है सॉल्व, जी यह बिल्कुल कंप्लीटली सही है, बिल्कुल ठीक है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सिमिलरली करना है। पी पार्ट देखिए, डिवाइड करना है 649 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 का टेबल 6 पर काउंट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 ज्यादा जाएगा, 3 2 जा 6, 6 इक्वल हो रहा है, 6 में 6 को लैस कर देंगे तो आएगा 0। यहाँ पे 4 को पुट करेंगे, अब 4 पर 3 का टेबल काउंट करेंगे, कितना टाइम काउंट होगा, 6 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 ज्यादा हो जाएगा इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो 3 1 जा 1 टाइम, 3 1 जा 3, 3 इसके नीचे रखेंगे, इसको लैस कर देंगे, लैस करके आएगा यहाँ से 1 और यहाँ पे काउंट कर लेंगे 9।
ये जगह 19। अब 19 पर 3 का टेबल काउंट करेंगे, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 जा 9, 3 फोर जा 12, 3 फाइव 15, 3 सिक्स जा 18 और 3 सेवन जा 21। 21 यहाँ पर ग्रेटर हो जाएगा तो 3 सिक्स जा 18 लेस कर देंगे, 9 में से 8 लेस करेंगे 1 और 1 में से 0, 0 छोड़ देना। अभी देखेंगे यहाँ पर ये डिवाइडेंट है, चेक करेंगे इसको। चेक करने का तरीका फिर रहेगा हमारा डिवाइडेंट इक्वल डिविजर इनटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविजर यहां पर कितना है, डिविजर है यहां पर 3 इनटू क्वेशेंट है 216 प्लस रिमाइंडर 1 है। 3 सिक्स जा 18 कैरी 1, 3 वन 3 और 1 4 और 3 टू जा 6 प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 649 दैट्स आंसर। ठीक है, सिमिलरली आपको आगे के पार्ट करने हैं और इसे चेक भी करना है। और इस क्वेश्चन में ओनली आपको केवल डिवाइड करना है, चेक नहीं करना, क्वेश्चन और रिमाइंडर इसमें फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ये एक्सरसाइज आपको करनी है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप फोन कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हो बेटा। ठीक है।